बस मुझे तो इस ब्रिज का ना सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है। आपको पता है इस पे टिकट किस लिए रख दी? हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे आप लोग गाइस? ये हमारा एक और नया ब्लॉग है और गाइस आजकल वो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग आए हैं अटल ब्रिज पे और ये अटल ब्रिज की ये पार्किंग है, आप लोग देख सकते हैं। हमने हमारी स्कूटी वहाँ खड़ी कर दी है और अब यहाँ से चलते हैं। चलो आज आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में अटल ब्रिज पे। वैसे आज अहमदाबाद का वेदर बहुत ख़राब है, गर्मी बहुत है आज यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारे अटल ब्रिज की एंट्री है, यहाँ से अंदर घुस के फ्रेंड कॉल करते हैं गाइस। तो टिकट काउंटर देखिए उधर है, अभी हम लोग यहाँ से अंदर घुसे ही हैं। अब आगे चल के टिकट काउंटर देखते हैं टिकट कहाँ से मिलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टिकट कितने में पड़ती है अपने को। देखिए अटल ब्रिज हमारा नहीं है, हाँ हमारा ही है, मोदी जी ने हमारे लिए बनाया 74 करोड़ का, 74 करोड़ का ये है हमारा अटल ब्रिज। चलिए देखते हैं अभी टिकट विकेट लिया जाए। ये जो आपको कैंप जैसे दिख रहे हैं ना, ये वाले यहीं पे टिकट मिलती है। चार्जेस दिखाते हैं अभी आपको गाइस। तो यहाँ से अभी हम टिकट लेने वाले हैं। आइए तो गाइस टिकट हमने ले लिया है। देखिए हमने ये वाली टिकट ली है जो 40 रुपये की है। इसमें है ना ये फ्लावर पार्क का और है ना ये अटल ब्रिज का, दोनों का ही आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से होती है हमारी अटल ब्रिज के अंदर एंट्री, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। एंटर होते हैं यहाँ पे, ये भैया को अभी टिकट देते हैं हमारा टिकट वाला इंसान वहाँ पे, वो देखो फोटो लेने में लगे हैं यार अंदर से। देखिए अटल ब्रिज कितना बड़ा बनाया हुआ है, अभी हम लास्ट तक जाके देखते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ बनी हुई है अच्छे से। बहुत मस्त बनाया है। और गाइज आपको पता है इस पर टिकट किस लिए रख दी? पहले ना स्टार्टिंग के जो 2 दिन थे उस टाइम पे तो ये बिल्कुल फ्री था, लेकिन ना हमारे कुछ जो ऐसे गुटखा पान मसाला खाने वाले लोगों ने देखे क्या किया हुआ है। देखो सफेद ब्रिज को लाल बनाने का काम किया गया, इसी वजह से इस पर टिकट रख दी, नहीं तो ऐसे तो ये बिल्कुल फ्री था। अच्छा बना रखा वो देखिए आप, हमारे भैया पानी लेके आगे बढ़ रहे हैं जो थक के बैठे हैं। आइसक्रीम आ चुका है हमारे और यहाँ पे आप लोग शांति से यहीं बैठ के खा सकते हैं। और ब्रिज पे कुछ भी नहीं फेंक सकते, डस्टबिन बनाया हुआ है, डस्टबिन में ही आपको सब डालना है, बाकी बाहर कचरा बिल्कुल नहीं फैला सकते। गाइस मुझे तो इस ब्रिज का ना सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है, ये देखो यार कितना मस्त लग रहा है ना। गाइस अगर आपको यहाँ पे कुछ खाना पीना है तो आप लोग यहीं पे शांति से बैठ के खा पी सकते हैं। देखो अच्छे से बना रहे सीटिंग और आपको डस्टबिन में डालना है। आजू बाजू अगर आपने कुछ भी फेंका तो नहीं अच्छा रहेगा, फाइन लगा दिया जाएगा फिर कचरा करने पे भी। वैसे सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, देखो बिल्कुल क्लियर है और ब्रिज काफ़ी शानदार। देखिए ब्रिज तो काफ़ी शानदार बना हुआ है, लेकिन ना अगर आप सिंगल आएंगे तो बहुत दुख होगा अंदर से क्योंकि दुख होने की वजह एक है जो मेरे कुछ भाई समझ गए होंगे कि सिंगल आने का सबसे बड़ा दुख कौन सा। जैसे कि ये भाई देखो हमारा बेचारा सिंगल घूम रहा है इसलिए बहुत दुखी है बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल, इसीलिए किसी को साथ में लेकर आइएगा। खैर हम तो दो हैं फिर भी ठीक है, फिर भी इसको भावना समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। चलो यही है हमारा ब्रिज, यहाँ से एग्जिट है, वहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से लेके फिर यहाँ पे जाके आपका एग्जिट होता है। नीचे जाना चाहे तो नीचे भी जा सकते हैं, तो नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है, घूमने फिरने के लिए लोग जाते ही हैं। खैर ये वाला यहाँ से फ्लावर पार्क जो आपको इसके नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा, फ्लावर पार्क भी काफ़ी अच्छा बना है। तो अभी हम चलते हैं फ्लावर पार्क और मैं आपको फ्लावर पार्क का पूरा टूर अच्छे से देता हूँ। ये था हमारा अटल ब्रिज, काफ़ी अच्छा बनाया है
और इसमें ना रात के टाइम पे लाइटिंग काफ़ी मस्त रहती है, तो मैं ना आपको रात के टाइम में दिखाऊंगा कितना मस्त दिखेगा। रात का भी एक व्यू ना मैं आपको डाल दूंगा इस व्लॉग के लास्ट में, आप लोग जरूर से वो देख कर जाइएगा, सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा वो हमारे इस व्लॉग का। और चलो अभी एक पानी की बोतल लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं फ्लावर पार्क जो आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में पता मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अटल ब्रिज से तो निकल रहे हैं, यहाँ पे पूरा देख लिया। और ये यहाँ का व्यू जितना दिन में अच्छा है उतना ही नाइट में भी ये और भी अच्छा लगेगा। नाइट में, नाइट का जो भी है ना मैं नाइट में भी आपको दिखा दूंगा। और जो फ्लावर फ्लावर पार्क है वो देखिए वो वहाँ पर है। तो अभी हम चलते हैं फ्लावर पार्क। बस अब इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं इसी के साथ, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में। और जो रहेगा हमारे फ्लावर पार्क का, फ्लावर पार्क का अलग से व्लॉग रहेगा, तो उसको आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना है आपको, ठीक है, और लाइक भी। देन मिलते हैं इसके, टाटा बाय बाय।